दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं फ़िश करी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग जो है भगोने में जो है सरसों का तेल डाल करके इसे गरम कर रहे हैं। ये कुछ छौंकने के लिए ये मेथी डाली जा रही है इसमें। ये मेथी को थोड़ा सा वो कर लिया जा रहा है, थोड़ा सा खर जो है हल्का सा किया जाएगा ताकि फ्लेवर सब मेथी का आना चाहिए ना। अब ये इस पे डालने जा रहे हैं, मेथी हो चुकी है और अब इसमें थोड़ा सा जो है और भी चीज़ें डाली जा रही है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, अदरक लहसुन का पेस्ट। दो मिनट तक इस अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिला करके भूनेंगे। प्याज में ये सरसों कुछ पीसी गई है मिला करके, अब इसे जो है मिलाने जा रहे हैं। सरसों कुछ डाल के पीसा गया है प्याज में। सरसों कुछ नहीं, दो चम्मच सरसों है। कितना प्याज है? आधा किलो प्याज में दो चम्मच सरसों है। इसका पेस्ट में पीसने के बाद जो है सरसों को उसी में पेस्ट बना के इसमें मिला करके अब इसे भी अच्छे से भूनेंगे। 10 मिनट तक कम से कम ये भूना जाएगा। प्याज ये अच्छे से भून करके तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कितने चम्मच हल्दी? दो चम्मच हल्दी पड़ेगी इसमें। अब इसको भी अच्छे से मिला लीजिए। ये अब ये भून चुका है थोड़ा सा, ये हल्दी जो है एक मिनट तक भून लिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें जो है अपने स्वादानुसार जितना आप जो है तीखा खाते हैं उतना आप जो है लाल मिर्च पाउडर जो है डालें अपने तीखा खाने के अनुसार। ये
अब इसमें हम लोग डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, ये जितना आपको स्वाद हो उतना नमक आप लोग डालें। और अच्छे से इसको जो मिला करके भुना जा रहा है। अब इसमें जो है चार टमाटर का पेस्ट जो है बना करके मिलाया जा रहा है, ये अच्छे से इसको भी मिक्स कर लीजिए। ये मिला करके अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। चार चम्मच गरम मसाला, दो किलो मछली के अनुसार जो है चार चम्मच जो है गरम मसाला पड़ेगा। ये घर का गरम मसाला है दोस्तों। तो बढ़िया से इसे मिक्स किया जा रहा है। दोस्तों देखिए मसाला अच्छे से भूनना है और ये अच्छे से भूना जा रहा है। ये हम भूनने के दौरान इसकी महक जो है बहुत अच्छे से मालूम पड़ रही है। ये जब मसाला जब भूनने लगता है अच्छे से तो थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगता है, तेल जो है उभर करके सामने जो है तेल छोड़ते हुए दिखाई पड़ने लगता है अच्छे से। दिखाओ, ये देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, इसमें बहुत भाप निकल रही है, थोड़ा सा उठा लो ना। अब देखिए ये हल्का हल्का देखिए तेल का बुलबुला, आप ये देखिए, ये देखिए देखिए इसमें बढ़िया से चमक आ गई ना, तेल छोड़ने लगा मसाला। इसको ध्यान देना है दोस्तों, जब मसाला अच्छे से भुना रहेगा सारा स्वाद जो है मसाले का होता है, मसाला अच्छे से भुना रहेगा तो फिर खाने का आनंद जो है बढ़ जाएगा। देखिए और आप देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एकदम ताज़ी फ्रेश रोहू मछली है। रोहू इसमें कांटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए भी और स्वादिष्ट भी होती है दोस्तों। सबसे सेहतमंद मछली यही होती है, एकदम ताज़ी फ्रेश मछली है ये। अब इसे एक एक दो दो करके इसमें डालते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसको मिलाते जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है दोस्तों क्योंकि फिश बहुत हल्की होती है, मटन नहीं है कि आप इसको ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे, बस हल्के हाथ से इसको मिलाते जाइए। ये देखिए बढ़िया ढंग से सभी फिश को आप इसमें मिला लीजिए।
ये और अब ये सारी फिश को इसमें डाल लिया गया है। अब हल्के हाथ से इसको जो है मिला लेंगे। ये अच्छे से सारी सारे मसाले अच्छे से जो है मछली में जो लिपट जाए इसका ख्याल रखना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मछली होती हल्की, इसलिए हल्के हाथों से ही करना है। और ये 2 चम्मच इसमें जो है मीट मसाला डालेंगे। ये 2 चम्मच मीट मसाला, बड़ा 2 चम्मच मीट मसाला इसमें डाल करके 2 किलो 2.5 किलो फिश में इतना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा पानी डाला जाएगा, जितना पतला या गाढ़ा रसा आपको खाना है ग्रेवी, उस अनुसार पानी मिला लीजिए उसमें। अब इसको मिलाने के बाद जो है इसको अच्छे से ये पानी डालने के बाद ये मिला लेंगे, ताकि मसाला भाई सभी जगह से कादे से फैल के मिल जाए। ये देखिए जैसे कर रहे हैं ना बढ़िया से, ये डालिए कि मछली डूबी रहे तो। हाँ, पानी इतना होना चाहिए लेवल में कि थोड़ा सा लेवल में मछली हल्की डूबी रहे, ताकि पकना भी चाहिए ना। जब पकेगा तो पानी पकने पे थोड़ा कम भी होता है तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। एकदम से पानी भी नहीं भर देना है और एकदम से सूखा भी नहीं छोड़ना है। देखिए जिस तरीके से किया जा रहा है कि उस लेवल उसका मेंटेन रहे उतना। पानी का लेवल यहाँ अपने हिसाब से किया जा रहा है, ये आपको अपनी समझ के अनुसार ही स्विच सेट करना रहेगा। मछली का रसा पतला ही है। और ज़्यादातर जो है जो मछली बनती है, मछली का रसा जो है ज़्यादातर पतला ही होता है। ये लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें ये पक भी जाएगा अच्छे से, अब पकने पे पानी उड़ता भी बहुत, तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखिए जब एक उबाल अच्छे से आ जाए, ये खोल जाए कादे से, भाई पानी का जैसे उबाल आता है उसी तरीके, बस एक उबाल में ही ये पक जाएगी। मछली बहुत हल्की होती है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक उबाल पानी का इसमें आया तो मछली ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए ताकि अच्छे से ये उबाल आ जाए एक, इसलिए इसे जो है थाली से ढक दिया गया है, ताकि जो है अच्छे से उबाल आ जाए। तो इसी तरीके से आपको भी थाली से ढक देना है। ये देखिए दोस्तों, ये अब अच्छे से उबाल आ गया है।
इसके ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया। आप ये मैं और क्लोज कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये अब देखिए जो थोड़ा थोड़ा फेन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा उबाल होते हुए फेन गायब हो जाएगा। फेन गायब हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पानी आपका अच्छे से पक चुका है, और जब पानी का अच्छे से पक चुका है तो मछली भी उसी के साथ अच्छे से पक जाएगी। अब देखिए धीरे धीरे फेन जो है खुला हुआ है, धीरे धीरे गायब होता जा रहा चला जाएगा। ये पानी का जो ग्रेवी वाला फेन है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसे चेक भी किया जा रहा है। बस हो गया अब मंथन पापा। ये देखिए मछली अब खोलेगा ना? हाँ, ये पक चुका है पूरी तरीके से, ये बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और अब ये थोड़ा सा ये देखिए इसमें निकाला जा रहा है, ये ये हाँ इसे जो है ऊपर सा ये हरी धनिया डाल दिए फर्स्ट क्लास। ये देखिए फर्स्ट क्लास हरी धनिया डाल करके इसको वो कर दिया गया है, ये देखिए। अब पूरा हरी धनिया आप लोग भी मिला लीजिए इसी में, ये सुंदर सा हरी धनिया भाई। हरी पत्तियाँ होती फ़ायदे भी करती हैं और डेकोरेशन में अच्छी भी लगती हैं।